एंड रणवीर जी आप भी मानते हैं कि आपकी फ्रेटिनिटी में सबसे कमीने आप हैं, ऐसा ट्रेलर में ऐसा है तो ये सवाल था कि डायरेक्ट डायरेक्ट इंसल्ट ऐसा ट्रेलर में है मैं नहीं खेल रहा हूं, फ्रेटिनिटी की बात है, ये फिल्म की बात है, ये आपका बहुत गलत है आपने जो ऐसा सवाल किया, ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत गलत हिसाब से सवाल किया है, वो फिल्म के अंदर डायलॉग है ना कि फ्रेटिनिटी का डायलॉग है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा ऐसा ना पूछे। ओके अक्षय और मेरा अक्की हेलो हमेशा मुझे बचाने आएगा मेरा अक्की। अक्षय अक्षय अजय और रोहित आपकी फिल्म में बार बार इस बात को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फिल्म की ट्रेलर में डायलॉग भी है कि हिंदू और मुसलमान जो भारत के हैं वो एक साथ रहते हैं और मतलब बार बार इस एकता की बात को दिखाया गया है, और इन दिनों देश के जो हालात हैं और खासतौर से जो दिल्ली में हो रहा है, और चूंकि फिल्म की बात हो रही है, बात बोलूं थोड़ा सा सीरियस इशू है वो, और बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और इस वक्त सबसे बेस्ट चीज होगा हम सबके लिए कि थोड़ा शांत रहे, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो लोग हैं जो वहां पर हैं, यहाँ पर बॉम्बे में ऐसे हंसी मजाक करते हुए जो वहाँ लोगों पर बीती है उस पर बात करना बहुत आसान होता है। सबसे बेस्ट चीज है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को चुप रहना चाहिए, क्या हो गया कि सब आके बोल रहे हैं और केओस बढ़ते जा रहे हैं, शांत रहेंगे अपने आप होगा, वहां पर एक सीएम है, सब लोग हैं, और वहां ग्राउंड रियलिटी पे जब कभी दंगा देखा है किसी ने आप लोगों में से, फटके हाथ में आ जाएगी, कभी नहीं करना चाहिए ये सब, हम लोगों को चुप रहना, हम लोग यहाँ आए मस्ती करने, और फिर मैं बोल दूंगा, लेक्चर बोल दूंगा और मेरा थोड़ा सोशल मीडिया पे वाहवाह भी हो जाएगी, इस वक्त हम सबको इस चीज को लेके चुप रहना चाहिए फिलहाल थोड़े दिनों के लिए, जिन पे जो बीत रही है वो सब सॉर्ट हो जाए फिर सब बोल सकते हैं।